टाटा पावर देखिए, बहुत सारे दर्शक टाटा पावर में जानना चाहते हैं। आज हम सुबह भी एक और एनालिस्ट से भी हमने अलग से भी डिस्कस किया हुआ है पूरे पावर सेक्टर को, तो वो भी वीडियो एक अलग है जिसमें कि पावर में हमने टाटा पावर, अडानी पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी डिस्कस किया था। तो टाटा पावर में बड़ी तेजी दिख रही है और अभी भी करीब 2.5% के करीब तेजी के साथ में काम कर रहा है आज के आज में। क्या लगता है, कैसा दिखता है? बिल्कुल, इसका जो चार्ट है मेरे को काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली आप देखोगे जब मार्केट में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी थी और बड़े बड़े स्टॉक अच्छी खासी गिर गए थे, तब भी शेयर में जो इसका 200 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं किया। और अभी भी आप देखोगे जो स्टॉक अपना जो 52 वीक हाई है उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फंडामेंटली भी कंपनी काफी अच्छी है और टेक्निकली भी चार्ट अच्छे लग रहे हैं। तो इसमें मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो स्टॉक अपना बहुत जल्द अपना 52 वीक हाई टेस्ट करेगा, आप यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ सर इन्हीं लेवल्स पे लॉन्ग इनिशिएट करते हैं आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, आप इन्हीं लेवल पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। इनफैक्ट इंट्राडे की भी बात करें तो इंट्राडे के हिसाब से भी इसका व्यू पॉजिटिव है, आप यहां पर ले सकते हो। और इसमें आज ही शायद हमें 255 256 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और किन लेवल्स को तोड़ेगा तो बड़ा मोमेंटम दिखाएगा? इसका मेन रेजिस्टेंस जो क्लोजिंग बेसिस का है वो 258 से 260 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, तो 260 लास्ट टाइम भी कंपनी ने अटेम्प्ट किया था पिछले साल अक्टूबर में, तो 260 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया था। तो 260 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है हमारी तो वो बेस्ट पॉइंट होगा और बेस्ट सिग्नल होगा ज्यादा बड़ी अपसाइड के लिए। ठीक है, तो एक अच्छे लेवल पे है, अच्छे मौके पे है, लेकिन वही है कि दोनों चीजें हैं कि इन्हीं लेवल्स के आसपास आकर के कई बार पिछले कुछ एक महीनों में और 6 से 8 महीनों में या पूरे साल भर में हम समझ लें तो इस तरीके से कई बार वहीं पे आकर के रुकता है। अगर उसको तोड़ लिया, उसके ऊपर निकल गया तो बड़ा मोमेंटम भी मिल सकता है। फिलहाल क्या राय है इंट्राडे में भी और किस तरीके से बुलिश व्यू है वो सब अभिषेक जी ने बता दिया। ठीक है,